व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो गेमिंग। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा टाइम से वीडियोस आना बंद हो गई थी, क्योंकि मेरे चल रहे PA2, मतलब हमारा पीरियडिक असेसमेंट, मतलब बेसिकली एक टेस्ट चल रहा है हमारे स्कूल में। अभी भी चल रहा है, अभी सिर्फ दो सब्जेक्ट्स का बाकी है, शायद वो छोड़ो गाइस। पर यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, एंड चैनल की कंडीशन पूरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि ये मेरी हिप्पो जो है, मतलब ये हमारी जी वैगन 6x6 जो है, कैसी लग रहा है। क्योंकि पहले इसमें कैमेलियन कलर्स था, वही डिफ़ॉल्ट जो है वो मैंने करवा रखा था, जो कि बहुत बकवास लग रहा था। अभी मैंने मतलब अभी रात हो रही है, 9 PM हो रहा है, पर मैंने सुबह मतलब ऐसे 10 बजे उठकर ये किया है। ये पूरा कलर जो है बहुत मेहनत से पैचेस डाल के किया है, ब्लैक पैचेस, एंड ये कुछ स्टिकर्स डाले हैं। एंड गाइस, ये हमारा जो स्पीकर रहता है, इसके भी ये बफर जो है, इसका भी कलर जो है पर्पल एंड ब्लू मिक्स करा है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड हमारी एम्बियंट लाइट भी ब्लू कर दी है, क्योंकि रेड हमारे जी वैगन पर सूट नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। एंड हमारा मेबैक में जो सीन है ना, हाँ, आधा बॉडी कुछ अलग कलर, आधा बॉडी कुछ अलग कलर, वैसे मैंने जो है ऊपर का बॉडी ब्लैक किया है। एंड मुझे पर्सनली ये कार्बन फाइबर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त लग रहा है यार। तो बेसिकली यही पूछना चाह रहा हूँ कि गाड़ी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक है कि कार सिमुलेटर 2 न्यू अपडेट लीक्स। मैं हर बार जो बनाता हूँ मेरे चैनल पर लीक्स की वीडियो, एंड वो 95% सच ही होता है, बस कुछ कुछ जो है सच नहीं होता। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कुछ ऐसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ फीचर्स के बारे में मैं जो बोलता हूँ वो अनएक्सपेक्टेडली ओपाना नहीं डालता है। तो ये भी 95% इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा न्यू अपडेट में। तो न्यू अपडेट की बात करने से पहले मैं आपको ये भी एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि अपडेट मंथली नहीं आएगा, 3-4 मंथ्स में आएगा। मुझे पता है ये गुड न्यूज़ आपके लिए नहीं है, ये गुड न्यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब से हर अपडेट पहले की तरह अच्छा आएगा। आपको पता होगा कि लास्ट अपडेट जो है ओपाना ने ये डिसीजन लिया था कि एवरी मंथ अपडेट आएगा, मंथली अपडेट्स आएंगे, ताकि हमारा गेम अप टू डेट, मतलब रेगुलरली ऐसे फ्रेश सा रहे। तो मैंने नहीं, हर यूट्यूबर ने जो कार सिमुलेटर 2 के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों ने बोला था कि अगर ये कंटिन्यू होगा तो कार सिमुलेटर 2 विल बी डिस्ट्रॉयड, ओपाना विल लूज देयर फैन बेस। बिकॉज गाइज, हर अपडेट में जो है फैन बेस इसलिए है, मतलब इस चीज़ का ही फैन बेस है कि न्यू गाड़ियाँ, फीचर्स तो खैर छोड़ो, कुछ देर यूज़ करके छोड़ देंगे, हमारा तो मेन मकसद है गाड़ियाँ चलाना। तो गाड़ियाँ, न्यू गाड़ियों के लिए क्यूरियोसिटी, पता नहीं जो भी है, मैं पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो पता चल गया होगा, वो बहुत ज़्यादा है हम सबको गाड़ियाँ चलाने के लिए। तो लास्ट अपडेट में गाड़ियाँ नहीं आई, ठीक है गाड़ियाँ नहीं आई, पर फीचर्स आना चाहिए अच्छे वाले। तो फीचर्स भी अच्छे वाले नहीं थे, बॉक्सेस ऑन द रूफ था, जो कि गाड़ी की लुक को और अगली बना रहा था, एंड अगली बना रहा था पर वो बॉक्स का कोई फ़ायदा भी नहीं था, हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते थे, तो दैट वाज अ वेस्ट। एंड ये रोड का जो है ये भी किया है न्यू एसफॉल्ट, ये थोड़ा अच्छा था, एंड कैमेलियन कलर्स अच्छा था, बस इतना ही था गाइस लास्ट वाले अपडेट में। एंड ये डोर वाला बटन, तो हम लोग सोच रहे थे कि ओपाना ने प्रॉमिस किया कि एवरी मंथ अपडेट आएगा, एंड हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हर बार जो अपडेट आता है 3-4 मंथ्स में, न्यू 5 कार्स, न्यू शोरूम, न्यू विला, न्यू फीचर्स, ये अच्छे अमेजिंग जो चीज़ें आती हैं ना, ये एवरी मंथ आएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। पर हमने ऐसे एक्सपेक्ट कर लिया था कि आएंगे गाइस, पर हमने बेचारे ओपाना वालों के लिए ये नहीं सोचा कि एक महीने में जितना वो बना सकते हैं उतना ही आएगा ना, एक महीने में बस फीचर्स ही बनेंगे।
तो इसलिए ओपना ने डिसीजन लिया है कि मंथली अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि ये गेम का फैन बेस चला जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा लोगों को इस गेम के ऊपर से, इसलिए मंथली नहीं आएगा। अब आते हैं रिलीज डेट के ऊपर। रिलीज डेट गाइस देखो, आपको तो पता ही होगा कि नेक्स्ट मंथ सिर्फ एक ही बाकी है हमारा 2023 ख़त्म होने के लिए। एंड आप लोग कमेंट्स में ये बताना कि किन को लगा है कि 2023 बहुत ज़्यादा छोटा महीना था, महीना नहीं छोटा साल था, ऐसे बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा यार मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आप लोगों को भी फील होता है तो कमेंट में यस लिख देना। तो एक महीने में अभी हमारा जो है आ जाएगा न्यू ईयर 2024, एंड क्रिसमस तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ 24 से शायद शुरू हो जाएगा। तो गाइज हमारा अपडेट जो है, सारे यूट्यूबर्स तो ये बोल रहे हैं कि क्रिसमस में आएगा, क्रिसमस के दौरान आएगा, न्यू ईयर को नहीं आएगा। पर मेरा मानना ये है कि न्यू ईयर के दिन आएगा, एंड हमारी सिटी जो है गाइस ये पूरी डेकोरेट हो जाएगी। ये ऐसा नहीं कि ये सारे झाड़ को डेकोरेशन करेंगे, ऐसा नहीं, ये सारे झाड़ को कुछ डेकोरेशन नहीं करेंगे, कुछ झाड़ ऐड कर दिए जाएंगे, उल्टा कुछ झाड़ जो फैंसी झाड़ होते हैं ना उनको ऐड कर दिए जाएंगे। झाड़ मतलब ट्रीज, तो ट्रीज को हटाएंगे भी नहीं एंड इनको मॉडिफाई भी नहीं करेंगे, बल्कि न्यू मॉडिफाइड ट्रीज को ऐड करेंगे कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद और एक छोटा सा अपडेट कुछ MB का देंगे, जिसमें से ट्रीज हट जाएंगे गाइस, सिर्फ वो क्रिसमस तक ही रहेंगे। तो बेसिकली हमारी सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, एंड अपना ने ये भी कहा है कि स्नोमैन्स आएंगे गाइस। तो ऐसा कुछ डेकोरेशन होगा, मैंने आपको डेकोरेशन जो होगी वो भी बता दिया है, रिलीज डेट भी आपको बता दिया है। एंड अब आएंगे गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियाँ तो मुझे इतना पता नहीं, तो बस इतना पता है कि हमारा आने वाली है वो जो येलो वाली आते हैं ना, ऐसे मसल जैसे एकदम बॉडी बिल्डर जैसी कार, वो आने वाली है। एंड गाड़ियों के बारे में मुझे उतना नहीं पता, मैं जान के सिर्फ गाड़ियों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाड़ियों का तो पता नहीं, पर इतना पता है कि विला पास 3 अपडेट से नहीं आया है शायद, हाँ कुछ 2 या 3 अपडेट से नया घर नहीं आया है ओपाना में। तो हमारा ये जो अपडेट होने वाला है ना, इसमें 101% विल्ला आएगा। एंड इस बार ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मस्सा विल्ला आ जाए यार, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो गोल सा विल्ला था ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो बेकार सा था यार, उसमें गाड़ियों की कैपेसिटी नहीं थी। पर जो उससे पहले वाला विला था ना, उसमें 8 गाड़ियों की कैपेसिटी है, तो मैं मेरे सारे SUV, पिकअप ट्रक्स एंड सुपर कार्स, हाइब्रिड कार्स सब खड़ा कर सकता हूँ। तो इस बार ही आई एक्सपेक्ट दैट ओपाना विल गिव अ न्यू लार्ज, मतलब बड़ा वाला विला देंगे। तो विला आने वाला है, एंड शोरूम डिज़ाइन जो है गाइस, इससे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैसे शोरूम आते थे, बस यहाँ थोड़ी दूरी में है वो पुराना वाला शोरूम। तो ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है ना गाइस, अरे यार गाड़ी का शोरूम, तो गाइस ये सामने जो दिख रहा है ना वाइट कलर की दीवार, ये है हमारा पहले, मतलब ओपाना गेम्स जब से कार सिमुलेटर 2 ने इन लोगों ने बनाया है, तब से ये डिज़ाइन का शोरूम आ रहा था। पर कुछ 5 या 6 अपडेट्स पता नहीं, पर ये थोड़ा ये भी पुराना हो रहा है यार, ये 1 ईयर पुराना हो गया है मेरे ख्याल से। ये वाला जो शोरूम है ना, गोल सा ग्लास शोरूम, ये इसका डिज़ाइन भी पुराना हो गया है। तो मेरे ख्याल से 99.99% न्यू शोरूम डिज़ाइन आएगा, एंड न्यू शोरूम डिज़ाइन है, न्यू कार्स आएंगी, तो न्यू गैराज आएगा। तो मेरा मानना बस ये है कि गैराज और शोरूम दोनों नए डिज़ाइन के आने वाले हैं, क्योंकि अब ये थोड़े से ओल्ड मॉडल हो चुके हैं ना, तो इसलिए नया डिज़ाइन आएगा गाइस। तो इतना ही था गाइस आज की इस वाली वीडियो में, मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि हमारा विला आएगा, शोरूम आएंगे, कार्स आएंगे, फीचर्स आएंगे। तो अभी मैंने हर्षन गेम 2.0 की वीडियो देखी, अभी बस 3 मिनट्स अगो अपलोड किया है उस लड़के ने, कि
हम बॉडीगार्ड्स हायर कर सकते हैं। एंड उसने ये भी बोला है कि हम ऑफिशियली नहीं कर सकते हायर बॉडीगार्ड्स को, पर वो उसने ये भी बोला है कि वो ओपाना से बात करेगा इस बारे में, एंड हो सकेगा तो ओपाना कर देंगे। मुझे तो लगता है कि मतलब हर्षिन की बात सुन के ओपाना नहीं देंगे बॉडीगार्ड्स, क्योंकि यार अगर बस एक बंदे को इंटरेस्ट होगा ना बॉडीगार्ड्स का तो वो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर करोड़ों बंदे, जैसे ऐसे 1,00,000 बंदों की रिक्वेस्ट है, मतलब सारे ओपाना कार सिमुलेटर 2 के यूज़र्स रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो बॉडीगार्ड्स का तो मैं इतना ही कहना चाहता था। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हर वक्त ओपन रहेगा एंड मैं हर वक्त एक्टिव रहूँगा। आपका कमेंट इग्नोर नहीं होगा, एकदम आपका कमेंट मैं ध्यान से पढ़ूंगा एंड उसको रिप्लाई भी करूँगा गाइस। तो चलो गाइस, आज की सॉरी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले जैसा हर घंटे एक एक सब्सक्राइबर आता था यार, मतलब वो दिन पता नहीं जब से ये इलाइट कार जो आई थी ना हमारे गेम में, उस वाले अपडेट के टाइम मेरे चैनल पर 75 सब्सक्राइबर्स थे। एंड इलाइट की वीडियो जैसे ही डाली तब से एवरी आर एक एक सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गया एंड मेरा चैनल 1,000 भी रीच कर गया। पर यार कुछ महीनों से ना, 2 महीनों से 1,150 के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ही नहीं हो रहे यार, मतलब सब्सक्राइबर्स ही हमारे पॉज हो गए हैं। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि न्यू अपडेट का अनलिमिटेड मनी मोड लिंक जल्दी आए उसकी वीडियो, तो जल्दी से इस वीडियो को जाकर लाइक करो एंड शेयर करो। बाय गाइस।